लगा हो। विशाल हो गया ये लो। थैंक यू सो वेरी मच। टेल अस समथिंग अबाउट द अवार्ड। द अवार्ड इज वेरी स्पेशल फॉर द कैंसर पेशेंट। I'm very, very happy, honored and thrilled at the same time to be here today. और Inspire Award 2023 आज यहाँ पर हो रहा है। ये cause जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, because I have lost my mother due to cancer only. और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर आके इन लोगों के साथ समय बिताऊँ जिन लोगों ने इस जंग को बहुत अच्छे से लड़ा है, जिया है, और हम सभी को उनके साथ खड़े रहना चाहिए और हम सभी को एक सीख लेनी चाहिए कि कैसे ये लोग इतनी बड़ी और भारी बीमारी से जो है वो जूझ कर यहाँ तक आए हैं। एंड वी गेट अपसेट ऑन अ वेरी स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ। सो दिस इज़ अ मैसेज, यू नो, आई रियली वॉन्टेड टू गिव ऑल द पीपल हु हैव बीन कलेक्टेड हियर और हु ऑल आर लिसनिंग टू अस। थैंक यू सो वेरी मच। Not much. Black is always a good color, and yeah, I like black. And आज हम लोग यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करने आए हैं, so don't want to talk much about what I'm wearing and how I'm looking. Yes, it is very important, and I'm very happy PMK this organization has taken this initiative. It is very important to motivate people, and हम सभी लोग ज़िंदगी में ये चीज़ फील करते हैं कि जब हमें किसी चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है, वी वर्क बेटर, एंड दीज आर द पीपल हु आर ऑलरेडी टेकन अ ग्रेट फाइट, यू नो, ये लोग मौत को छू कर लौटे हैं, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक वी ऑल हैव सम ऑफ द अदर केसेज इन आवर लाइफ वेयर समबडी नियर एंड डियर वन हैज़ बीन सफर्ड, और Unfortunately, we have lost few people also into this. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि we are here to give them support and we all need to learn so much from them. इसके अलावा क्या कुछ आपकी मूवी भी आने वाली है, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहूँ, किस तरह से people are waiting for that movie? Absolutely, I would be very glad. Though this is not the platform where I want to talk about the project, but हमारा काम है कि हम लोगों को मोटिवेट करते रहें, और इसी को लेकर हम लोग तारनी जैसे एक फिल्म है विच इज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट है, उसको लेकर हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। देर इज़ अ शो ऑल्सो कमिंग ऑन अ OTT प्लेटफॉर्म, सो सून वी गोइंग टू अनाउंस इट। थैंक यू। Look here, please. Thank you. स्नेहा, फर्स्टली आप काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। यू हैव केम हियर फॉर द गुड कॉज, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द कॉज?
PMK फाउंडेशन इज डूइंग सच अ ग्रेट वर्क एक्चुअली, एंड वो लोग जो कैंसर से फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग देम एज अ यूथ. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल क्या होता है, थोड़ा बहुत टेंशन नहीं आता है कि यूथ सोचती है कि चलो यार बहुत हो गया ज़िंदगी में ड्रामा, अब हम मतलब डिप्रेस्ड हो गए, अब घर में बैठ जाते हैं और यू नो दे फील सैड. बट सी दिस पीपल आर द इंस्पिरेशन, जिन्होंने कैंसर से फाइट की है. कैंसर इज सच अ बिग थिंग, यू नो बोलने के लिए बहुत आसान होता है, एंड पीपल नाउडेज लाइक अरे कैंसर, बट यू नो फाइटिंग विद सच बिग डिजीज एंड कमिंग बैक अगेन एंड यू नो फाइटिंग फॉर लाइफ एंड विनिंग इट एंड कमिंग योर. सो ये बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट देम, एंड आई गेट इंस्पायर्ड बाई ईच एंड एवरी पीपल हु फाइट विद कैंसर एंड हैव रीच्ड हियर एंड यू नो वन दिस. सो बहुत ही इंस्पायर फील करती हूँ मैं. हाल ही में जो सेल्फीज को लेके काफ़ी मुद्दा चल रहा है, आपने भी स्टैंड लिया है इस चीज़ पे, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द सेल्फीज दैट टेकन बाय द पृथ्वी शॉ, सोनू निगम जी के साथ भी अभी हाल ही में अटैक हुआ, एंड आलिया का पापराजी. या इट्स वेरी शेमफुल एक्चुअली. क्या होता है ना, जब एक एक्टर है या फिर आर्टिस्ट है, उनकी भी एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए, यू नो इफ़ दे आर एट होम, बिकॉज वो उस वक्त वो सिर्फ वो है, ना कि वो कोई बड़े स्टार है, ना ही कुछ है. घर में दे आर अ नॉर्मल पीपल एंड विथ फैमिली दे आर वेरी नॉर्मल. सो वो सारी चीज़ें कैप्चर करना, इट्स यू नो आउट ऑफ प्राइवेसी विच इज़ नॉट गुड. एंड या द सोनू सूद वाला चीज़, इट्स वेरी डेंजरस. इवन आई हैव फेस द सेम थिंग्स, यू नो वो एक बाउंड्री लाइन एक फैंस को ही क्रिएट करना चाहिए कि यू नो दिस ओके ये आइडियल है, आप इन्हें चाहते हो, आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, पर उनकी सेफ्टी तो फिर आपको रखनी ही चाहिए ना, उनकी उनके बारे में तो आपको ही सोचना चाहिए. अगर आप उनके इनसे इतना प्यार करते हो तो आपको ये सोचना चाहिए, और उस इंसान को एक खरोज भी नहीं आनी चाहिए. फिर अगर आप ही खरोज दे रहे हो तो आप फिर क्या, किस चीज़ के फ़ैन और किस चीज़ का प्यार. आई एम नाउ सी आफ्टर टू ईयर्स आई गॉट वेकेशन, सो आई एम नाउ स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली एंड माई यू नो डॉग्स एंड ऑल दैट थिंग्स. बट या देर आर थिंग्स, लेट सी, आई होप कि कुछ धमाकेदार हो. सो आई एम जस्ट होपिंग कि जो मेरा लेवल है वो लेवल और बढ़े, तो आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ धमाकेदार जल्दी आ जाए. थैंक यू सो मच. I went and donated my hair for COVID. मेरे almost knee तक बाल थे और मैंने पूरे कटाए थे, because I think it's like a great fight these people put up. And जब मेरे को बताया गया कि ऐसा initiative है, I said कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं, कुछ काम नहीं, आके एटलीस्ट सपोर्ट करना, बिकॉज दैट्स ऑल वी कैन डू. हम लोग किसी और तरह से इन लोगों की मदद तो कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट टू स्टैंड इन सपोर्ट फॉर देम इज़ अ ह्यूज इनिशिएटिव. What would you like to say about the response from the people? About the name change?
अभी आई कम फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव OTTN चैनल कॉल्ड अतरंगी. तो आई थिंक सी कितना भी आप बोले एकता नहीं है, बट एक्चुअली तो एकता जी ही हैं क्योंकि हमने उन्हीं के साथ उस नेम को एसोसिएट किया है. बट डेफिनेटली देर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू बिकॉज ऑल्ट बालाजी ने एक तरह के शोज बनाए थे. अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा होता है, बिकॉज हमेशा बालाजी उससे कुछ अच्छा ही निकल के आता है. मैंने 15 साल अपने दिए उधर, अच्छा ही हमने कुछ डिफरेंट काम किया है. सो लेट्स सी. इन व्हाट अबाउट अतरंगी फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज़ अतरंगी ऑलवेज ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट टू द टेबल. जी सी, अतरंगी में क्या है कि आई हेड द टीवी डिवीजन एंड OTT प्लेटफॉर्म, सो इट्स ऑलवेज बेटर बिकॉज यूजली क्या होता है, टेलीविजन पे एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि जब शो बना रहे हैं कि टेलीविजन पे आ रहा है. बहुत सारी चीज़ें लोग टेलीविजन पे देखना चाहते हैं क्योंकि हमारी मॉम्स और दादी जिनके लिए हम बनाते हैं कंटेंट, वो लोग इतने टेक सैवी नहीं है, वो इतना जाके OTT पे नहीं देखते. वेब में हमने एक्चुअली बहुत सारे लेवल्स रखे हैं कॉन्टेंट के, एंड हमारा सबसे बड़ा प्लस जो है अतरंगी का है कि हम लोग सिंडिकेशन मॉडल में है. तो हम जैसे अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली 20 और प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले हैं हमारा कॉन्टेंट. तो वो एक अच्छी बात है कि अतरंगी जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोगों के पास पहुंचेगा. तो हमेशा एफर्ट यही रहता है कि इंडस्ट्री में रहें, अपने लोगों अपने दोस्तों के साथ कुछ कुछ करें. इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट 7-8 शोज़ में अपने दोस्तों को लिए हैं. चैनल में और OTT में रहने का ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट यू कैन गिव देम अ चांस. चैनल जब हम लोग प्रोडक्शन होते थे तो हमें चैनल से परमिशन लेना पड़ता था, इसको ले सकते हैं कि नहीं. यहाँ पे आई हैव द फ्रीडम ऑफ टेकिंग दोज पीपल इफ दे सूट अ पर्टिकुलर रोल. सो आई थिंक इट्स अ गुड फेज. अगले 6 months are going to be super exciting. We're doing a lot of associations in the coming, I think, few weeks you'll see our hoardings out. You'll again see the promotion. जैसे launch के time हमने परशुराम हरा सिंदूर का किया था. So I think शालीन मनोज की तब कुछ आने वाला है, ऐसी चर्चा है. सी शालीन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा नेबर है. हम लोग उसको कुछ दे उससे पहले, एकता ने ऑलरेडी उसको अंदर जाके दे दिया अभी शो. तो वंस यू कम इन टू अ डेली सोप एंड शो तो आपका ऑलमोस्ट टाइम वहीं पे चला जाता है. एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम बिग बॉस उसके पास इतना प्रमोशन और अपियरेंसेज हैं कि अभी उसको और क्या काम दिया जाए. बट आई थिंक वंस ही फिनिशेज वी विल डू. आई मीन वी ऑलवेज टॉक अबाउट वर्किंग टुगेदर, बट मैंने हमेशा अपनी दोस्ती और काम को अलग रखा है. यूजली मेरे एक्टर जो दोस्त बने हैं वो शो करके फिर दोस्त बने हैं. इस तरह से काम देने में आई डोंट वांट देम टू फील कि आई एम टेकिंग अनड्यू एडवांटेज. बट आई थिंक आइडिया ये होता है कि सब काम करें साथ में, दोस्ती यार इसीलिए है. तो करेंगे इंशाल्लाह कुछ उनके साथ भी जल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.